हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा सो so, गई सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर रखी है नॉर्मल जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर बीस इंच ली है तो यहाँ पर जो है मैं एक एक इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी मार्किंग करने के बाद आपको इस मार्किंग को कट कर लेना है तो मैंने यहाँ पे कोई भी कम या ज़्यादा अपनी स्लीव्स नहीं ली है जितनी नॉर्मल आपको स्लीव्स कटिंग करनी है बिल्कुल वो कर लें उसके बाद आप ये डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो यहाँ पे मैंने एक एक इंच के गैप से इसे कट कर लिया है कट करने के बाद हमारी जो स्लीव्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा ये देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है इसकी जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर स्टिच कर लेना है तो यहाँ पे मैंने एक किनारी को स्टिच कर लिया है दूसरी किनारी ऑलरेडी मैंने स्टिच करके रखी हुई है ये देख सकते हैं दोनों तरफ की जो किनारी है हमने डबल फोल्ड कर लिए है उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंच चौड़ी एक पट्टी ली है जिसे हम फोल्ड करके एक बारीक सी पट्टी बना लेंगे इसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद आप इसके किनारी पर बिल्कुल स्टिच कर लें तो हमने यहाँ पे एक बारीक सी पट्टी को स्टिच कर लिया है ये देख सकते हैं हम स्टिच करने के बाद हम इसे पीसेस में कट करेंगे तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ढाई इंच के करीब इसे कट कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे पीसेस आपको कट कर लेने हैं ढाई ढाई इंच के तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पीसेस को कट कर लिया है ये देख सकते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेना है जिसकी चौड़ाई ढाई इंच होनी चाहिए एंड लंबाई आपकी स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ट्वेंटी इंच तो यहाँ पे मैं इस पट्टी को लगाऊंगी तो सबसे पहले एक लंबी सी पट्टी आपको लेनी है एंड इसके बिल्कुल सेंटर में आपको स्ट्रेच करनी है तो सेंटर में स्ट्रेच करने के लिए आप अपने जो न्यूज़पेपर है उसे आपको इस उस तरीके से फोल्ड करना है जिससे हमें सेंटर का पता चल जाएगा तो इस तरीके से मैं ऊपर तक इसे फोल्ड करूँगी तो फोल्ड कर लिया है मैंने यहाँ पे इसे आप ओपन करेंगे एंड इसे चौक से मार्किंग कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली है उसके बाद हम एक पट्टी लेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में तो यहाँ पे मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है अब जो हमने ढाई ढाई इंच की पट्टी कट कर करी थी उसे आपको इस तरीके से लगाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से डेढ़ डेढ़ इंच के गैप से आपको इस तरीके से लगाना है इसे डेढ़ इंच का गैप पे आप मार्किंग कर लें कुछ इस तरीके से उसके बाद आप यहाँ पे दूसरी पट्टी लगाएं नीचे भी आप डेढ़ इंच का मार्किंग कर लें उसी तरीके से पट्टी लगाएं तो पूरे ही फैब पूरे ही न्यूज़पेपर पे मैं इसी तरीके से पूरे पट्टी को लगा दी चली जाऊंगी डेढ़ डेढ़ इंच के गैप से तो यहाँ पे मैंने डेढ़ डेढ़ इंच के गैप से सारी पट्टी न्यूज़पेपर पे लगा दिया है उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रास्ट में एक फ़ैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई दो इंच की होनी चाहिए लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है एंड जो हमने पहले पट्टी बनाई थी उससे थोड़ा चौड़े में इसे आपको स्टिच करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे स्टिच करना है आपको तो यहाँ पे मैंने इसे पट्टी को स्टिच कर लिया है उसके बाद आप इसे साढ़े चार चार इंच के गैप से इसे कट कर लें तो पूरी ही पट्टी में से आपको साढ़े चार चार इंच की पट्टी को कट कर लेना है सो गाइज़ यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स ले ली है जिसकी किनारी में हमने फोल्ड करी थी ये वाली उसके बाद जो हमने न्यूज़पेपर पे डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन को हमें इसके बीच में अटैच करना है तो सबसे पहले आपको एक पीस ले लेना है एक पीस लेने के बाद जो हमने न्यूज़पेपर पे डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से रखना है एंड किनारी के ऊपर स्टिच कर लेना है तो एक तरफ मैंने इसे स्टिच कर लिया है उसके बाद दूसरा जो पीस होगा हमारा स्लीव्स का उसे भी आपको दूसरी साइड पे स्टिच कर लेना है इसी तरीके से सो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड एक पट्टी लगानी है तो पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो इंच चौड़ी पट्टी ली है एंड चौड़ाई हमारी मोडी मोरी, मोरी के अकॉर्डिंग होगी तो दो इंच चौड़ी पट्टी लेने के बाद इसके नीचे की साइड आपको रखना है इस पट्टी को एंड इसे स्टिच कर लेना है सो so गईज़ कुछ इस तरीके से जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आप इसे स्टिच कर लें तो यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड करके ऊपर किनारी पे स्टिच कर लेंगे हम तो नीचे की साइड से हमने किनारी पे स्टिच कर लिया है पट्टी को उसके बाद हम बैक साइड से जो न्यूज़पेपर है वो निकाल देंगे अच्छे फिनिशिंग से आपको निकालना है बिल्कुल भी न्यूज़पेपर इसमें ना रहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा न्यूज़पेपर हमने निकाल दिया है न्यूज़पेपर निकालने के बाद जो हमने साढ़े चार चार इंच की पट्टी अलग फैब्रिक से कट करी थी उस पट्टी को आपको लेना है एंड बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से स्टिच करना है सुई धागे की हेल्प से एंड इसे अच्छे से लॉक कर देना है तो दोनों ही पट्टी को मैं कुछ इस तरीके से ही लॉक कर दूंगी स्टिच करके अच्छे से पक्का कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दूसरी पट्टी को भी मैं बना लूँगी इसी तरीके से तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को इसी तरीके से बना लिया है बनाने के बाद आपको इसमें एक प्लस का निशान बनाना है कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं दोनों को एक के ऊपर एक रखना है एंड अच्छे से इसे स्टिच कर लेना है एंड अच्छे से लॉक कर लेना है अच्छे से पक्का करके सो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा ये देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आना चाहिए इसी तरीके से काफ़ी सारी पट्टियाँ आपको लगा लेनी है उसके बाद जो हमने ये जाली क्रिएट करी थी अपनी स्लीव्स में उसे हमें इस तरीके से रखना है एंड इस पट्टी से फ्लावर को बना लेना है तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा वीडियो में कि किस तरीके से मैं ये फ्लावर बना रही हूँ तो सेम प्रोसेस आपको अपना अप्लाई करना है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका ये फ्लावर तैयार हो जाएगा सो so गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे फूल बना लिया है एंड सुनी था की हेल्प से आपको इसे अच्छे से टक कर लेना है अच्छे से पक्का कर लेना है सो गई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लावर है वो बनके तैयार हो गया है इसी तरीके से आपको सारी ही जाली पे फ्लावर्स को बना देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर हमारा तैयार है इसी तरीके से बना लें आप साड़ी पर तो यहाँ पे मैंने साड़ी पे बना लिया है साड़ी जाली पे एंड इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है ये देख ही सकते हैं आप इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे बीच में मोती लगा दूंगी तो आप चाहे तो चिपकाने वाले मोती लगा लें या फिर टाँगने वाले मोती लगा लें वो आपकी चॉइस है यहाँ पर मैं चिपकाने वाले मोती का यूज़ करूँगी तो फेविकॉल की हेल्प से मैं इसमें चिपका लूँगी मोती को बीच में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन बन तैयार हुआ है बना के ज़रूर देखिएगा आप अपनी इस लीज पे एंड मुझे इंस्टाग्राम पे पिक सेंड करना मत भूलिएगा सो गाइज ये है मेरी स्लीव्स का फाइनल लुक आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़